अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं अंबर इरफान। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं लोरियल पेरिस ब्रांड के बारे में। जी हां, आज मैं इसकी प्रोडक्ट शेयर करूंगी आपसे, हाइड्रा फ्रेश माइल्ड बैलेंसिंग एंड रिफाइनिंग सेंसिटिव स्किन। ये एक फॉर्मिंग जेल है, क्लेंजर है उनका, जो आप फेस वॉश के लिए तौर पर यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। 100 ml की है इसमें क्वांटिटी और इसकी प्राइस आई थिंक 900 के पास थी। मैंने इसको ग्रोसरी में ही मंगवाया था, आई डोंट नो, मुझे क्लियर से याद नहीं, लेकिन इसकी मेरा ख्याल है इतनी ही प्राइस थी। तो इसके बारे में मैं बात करूँ कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो मैंने इसको 25 डेज़ हो गए हैं इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसा कि एक ही चीज़ को आप अपनी स्किन या बालों के लिए यूज़ मत किया करें लंबे अरसे तक, वो आपको फ़ायदा देते देते नुकसान देने लग जाती है। तो इसी तरह वैसे भी मुझे आदत है कि मैं अपनी स्किन के लिए भी कोई फेस वॉश या कोई शैम्पू भी हो, मैं उसको चेंज करती रहती हूँ, थोड़ा टाइम यूज़ करती हूँ, उसके बाद कुछ मंथ के बाद मैं चेंज करती हूँ, कोई नई चीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा इसका एक्सपीरियंस आपसे भी अपना शेयर करूँ। इसका एक्सपीरियंस जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, इसको आपने अपने गीले फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद हल्के हाथों से, जैसे हम क्लेंजर यूज़ करते हैं या कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। मुझे इसकी दो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी, ये 2-in-1 लगा मुझे, जैसा कि मतलब आप इसको फेस वॉश भी समझ लें और क्लेंजर भी समझ लें। जैसे मिल्क क्लेंजर होता है जो हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए या डीपली क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये उसका काम करता है। आप जब भी अपनी स्किन के लिए या बालों के लिए कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, तो ये बात ज़रूर देख लिया करें एक बार कि वो आपकी स्किन को सूटेबल हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करती, और बहुत सी ऐसी होती हैं जो हर स्किन को, मतलब हर टाइप की स्किन को सूट करती हैं। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई एक लिक्विड या मिल्क क्लेंज़र होता है, ये सेम वैसे ही है। मैंने ये देखें हाथ पे अप्लाई किया है तो बिल्कुल भी मतलब फील नहीं हो रहा कि ऐसी क्या चीज़ आपने इस फेस अपने हाथ पे अप्लाई की है या फेस पे अप्लाई किया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह से आपकी स्किन को भी ये हाइड्रेट करता है, जिस तरह से ये लग रहा है लिक्विड ही भी। अच्छा, ये देखें, मैंने अब इसको थोड़ा सा वेट कर लिया अपने हाथ को, मतलब गीला कर लाई हूँ पानी से। तो मैं इसके ऊपर अब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी सी झाग बनाता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा ही क्रीमी सी झाग बनाएगा जैसे लगेगा आपको, लगाते वक्त आप कई दफ़ा फील करेंगे कि आपको क्लिनजिंग मिल्क चूज़ कर रहे हैं, आपको फील ही नहीं होगा कि आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। ये इनकी ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली बहुत सी गर्ल्स को ये इशू होता है कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हमारी स्किन कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो स्किन पे एक्ने, पिंपल्स, कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये उन सब से आपकी प्रॉब्लम्स को, उन सब प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप जो यूज़ करते हैं, स्पेशली जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं अच्छी ब्रांड्स की, तो कभी भी वो आपके स्किन को ख़राब नहीं करती, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देती। इसी तरह से मैं आपसे कहूँगी कि ये भी आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं ऐड किया गया जो आपकी स्किन को ख़राब करे, ये बहुत सॉफ्ट करेगा आपकी स्किन को, और बिलीव कीजिएगा आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है वॉश करने के बाद। वाकई ही लगता है जैसे आपने स्किन को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अप्लाई कर लिया है कि जो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है। अक्सर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही इसके बाद लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।